अभी आप सुन रहे हैं अपना इस्लाम की शानदार प्रस्तुति। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, हम ईमान वाले हैं। आका इनामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। हमें आका इनामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तालीमात मिला है, जो तालीम मिला है, उसमें हमें अमल करना है। आका इनामदार सरवर दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस पाक में एक सहाबी रसूल जाते हैं, अल्लाहु अकबर, घर आए, जिंदगी में इंकलाब आ गया, बदलाव उसकी जिंदगी में आ गया, तब्दीली आ गई। सिर्फ एक आयत कुरान पाक की सुने, तब्दीली आ गई। सहाबी रसूल घर आए, अब रात में खाना खा करके सोचा कि चलो आराम किया जाए, सोया जाए। जिंदगी आ रही है, बिस्तर पर जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं, कभी तिलावत करने लगते, कभी जिक्र अज़कार में मशगूल हो जाते। उनकी एक बेटी थी पारसा, सारी हालतों को देख रही थी, सारी कैफियतों को देख रही थी। आखिर में सवाल कर दिया, अब्बा हुजूर, आपके साथ कौन सी परेशानी आ गई थी और कौन सी परेशानी रात हो गई? आखिर रात भर आप सोए नहीं, बिस्तर पर जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं। वो सहाबी रसूल कहने लगे, वो मेरी बेटी, तुम्हें क्या मालूम है, कल मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से पाक में गया था, वहां से मैंने कुरान करीम की एक आयत सुनकर आया हूँ। जब से मैंने वो आयत सुनी है, वो मेरी बेटी मेरी जिंदगी में इंकलाब आ गया, तब्दीली आ गई, आंखों से नींद गायब हो गई। बेटी भी होशियार से कहने लगे, कौन सी आयत आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से सुनकर आए? वो सहाबी रसूल कहने लगे, वो मेरी बेटी, मैं गया, आका इनामदार तशरीफ फरमा थे, सहाबा किराम का मजमा था, आका इनामदार ने एक आयत पढ़ करके बयान फरमाया कि कयामत के दिन बहुत सारे लोगों को परवरदिगार जहन्नम के घरे पर ले जाएगा, जहन्नम के घरे पर ले जाकर फरमाएगा, यही जहन्नम है, इसे देख ले, जिसे तू दुनिया में सुनकर तू डरता नहीं था, आज अपने आंखों से मुशाहदा कर ले। सरकार मदीना ने कुरान करीम की आयत पढ़ करके बयान फरमाया, इन्नहादी जहन्नमुल्लती युकज्जिबु बिहा अल-मुजरिमून। वो सहाबी रसूल कहने लगे, वो मेरी बेटी, मैं जब भी सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ तो वो आयत याद आने लगती है, वो अंगारे याद आने लगते हैं, वो आग याद आने लगती है, वो शोले याद आने लगते हैं, इसलिए मैं उठकर बैठ जाता, तिलावत करने लगता, जिक्र अज़कार में मशगूल हो जाता, नफिल पढ़ने लगता, लेकिन फिर गुनूदगी आती, फिर नींद का झोंका आता, फिर ख्याल आता, चलो अब आराम कर लिया जाए। अब
बिस्तर पर जाया जाए, जो ही बिस्तर पर जाता फिर वही कैफियत शुरू हो जाती, फिर वही कैफियत शुरू हो जाती। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, एक ही आयत जिंदगी में इंकलाब पैदा फरमा दिया, एक ही आयत से इंकलाब आ गया। क्योंकि वो इस इरादे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में जाते कि आका इनामदार इरशाद फरमाएंगे, वो बातें बतलाएंगे, जिंदगी में इंकलाब उसे अपनी जिंदगी में लाएंगे और अमल करके अपने आप को अपने आप में तब्दीली पैदा कर लेंगे। ये इरादा होता था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तब्दीली भी फरमा देते। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो मर्ज है, हमारे अंदर जो बीमारी है, हमें उसका एहसास ही नहीं। काश कि हमें उसका एहसास होता, हमें ये पता चलता कहा ये मर्ज हमारे अंदर है, तो यकीनन इंसान उस मर्ज के इलाज की फिक्र करेगा। एक आदमी के पेट में दर्द है तो जरूर वो डॉक्टर के यहाँ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसके दर्द का एहसास ही नहीं होगा तो वो क्यों का डॉक्टर के यहाँ जाने का इरादा करेगा और क्यों इलाज की फिक्र करेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आपसे कांपते हुए सरकारे मदीना के महफिल पाक में जाते हैं, फरमाते ना वहां चला या रसूल अल्लाह, हमजा के अंदर मुनाफिकत वाली सिफत आ गई। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, खबरदार होशो हवास के साथ बात करो, क्या बात कर रहे हो, बैठो इत्मीनान की सांस लो, क्या बात हो गई, क्या परेशानी तुम्हारे साथ रहा। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं आपकी वाद और नसीहत को सुनता हूं तो मेरे ईमान हरारत में तेजी आ जाती है, ईमान में गर्माहट आ जाती है, लेकिन जो ही आपके मंदिर से उठकर जाता हूँ, घर बार में जाता हूँ, बीवी बाल बच्चों में जाता हूँ, या रसूल अल्लाह ये सिफात बाकी नहीं रहती, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे खौफ महसूस हो रहा, कहीं निफाक की सिफत हमारे अंदर तो नहीं आ गई। अल्लाहु अकबर। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये एहसास हुआ कि ये बीमारी, ये मर्ज हमारे अंदर है, तभी जाकर तभी भी आजम सरकारे मदीना इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस का रुख किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, सरकारे मदीना ने फरमाया ये तो ईमान की बात है, ईमान की मजलिस में बैठोगे, वाज़ो तकरीर को समाप्त करोगे तो जाहिर सी बात है ईमानी हरारत में गर्माहट को पैदा होगी ही, उससे दूरी अख्तियार करोगे तो ये सत बढ़ जाएगा, ये सिफत सत बढ़ जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक हजरत हसन वसी रहमतुल्लाह अलैह से एक नौजवान ने कहा कि अल्लाह वाले आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। क्या दुआ फरमा दे कि आप दुआ फरमा दीजिए, मेरा दिल जाग जाएगा, मेरा दिल बेदार हो जाए। कहने लगे क्यों तुम्हारा दिल बेदार नहीं है? कहने लगे नहीं मेरा दिल बेदार नहीं है। कहने लगे तुमको कैसे पता कि तुम्हारा दिल बेदार नहीं है? वो नौजवान कहने लगा है अल्लाह के वली, जब मैं आपकी वादो नसीहत को सुनता हूँ, जब मैं आपकी मजलिस में बैठता हूँ, आपकी बातों को समाप्त करता हूँ, तो मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती उनसे। इससे उन्हें पता चल रहा है कि मेरा जमीर जो है, मेरा दिल जो है सोया हुआ है, इसकी बेदारी के लिए आप दुआ फरमा लें। हजरत अब्दुल मसीह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नौजवान अगर आप तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारी ये कैफियत है, ये बात और नसीहत से अगर तुम नहीं जानता, अगर तुम बेदार नहीं होते हो, तुम्हारा दिल बेदार नहीं होता, तुम यूं क्यों कहते हो मेरा दिल सोया हुआ, जो सोया हुआ होगा उसे बेदार किया जा सकता है, उसे उठाया जा सकता है, उसे झिंझोड़ा जा सकता है, उसे खींचा जा सकता है, लेकिन जो आदमी सोया हुआ ना हो बल्कि मुर्दा हो गया हो, मर गया हो, उसे लाख झिंझोड़िए, लाख उठाइए, लाख खींचिए, वो बेदार होने वाले नहीं, वो उठने वाले नहीं। तो अगर तुम वादो नसीहत से भी बेदार नहीं, वादो नसीहत से भी अगर तुम नहीं उठ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम
तुम्हारा दिल जो है सोया हुआ नहीं है बल्कि मुर्दा हो चुका है, मुर्दा हो चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इंसान की दिल मुर्दा हो जाता है, दिल जंग आलूद हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई भी बात जो है उस पे असर नहीं करती है। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया सुन्ना पसंद बोलो उनके दिल इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए, पत्थर की तरह सख्त हो गए। फरमाया मैं नबी ने आलमा यहतु मिन खशियत अल्लाह, पत्थर में भी बात पत्थर ऐसे है जो खुदा का खौफ रखते डर रखते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लुढ़क जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिर जाते हैं खुदा की खौफ की वजह से। वही नमीन है लमा यशतबु फयखरुजु मिनहुल्मा, बहुत बहुत से पत्थर ऐसे हैं जो खुदा के खौफ से